मैं असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार। अपना चैप्टर चला था चैप्टर 5 लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट कंट्रोल में फोर्थ पॉइंट है विशेष प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता। पहला आता है जैसे प्रशिक्षण हेतु आए श्रमिकों का वेतन, जिसे बोलते हैं वेजेस ऑफ अप्रेंटाइज वर्कर्स। आपके जो वर्कर्स हैं, आपकी मान लीजिए नई फैक्ट्री है और नई फैक्ट्री को काम सिखाने के लिए आपने किसी दूसरी पुरानी फैक्ट्री के कर्मचारी को इस्तेमाल किया, दूसरी कंपनी के जो वर्कर्स आएंगे वो आपके नए वर्कर्स कुछ काम सिखाएंगे, जिसके बदले आप उस पुरानी वर्कर्स को जो भी आप पे करेंगे मनी या जो भुगतान करेंगे उसे आप कहेंगे अप्रेंटाइज प्रीमियम, प्रशिक्षण शुल्क। एक होते हैं इसमें आकस्मिक कर्मचारी, कैजुअल वर्कर्स। आकस्मिक कर्मचारी का मतलब होता है कि आपकी वस्तु की मांग बढ़ गई, मान लीजिए आप ऊनी कपड़े बनाते हैं और ऊनी कपड़े बनाने के लिए आपका जो सीजन है वो आएगा विंटर्स में, यानी कि सर्दी में। तो पर्टिकुलर सीजन में आपको कुछ कर्मचारी चाहिए जो आप अस्थायी तौर पर यानी कि टेम्पररी तौर पर आप उसको रख लेते हैं, और टेम्पररी तौर पर रखने के बाद में आप उन वर्कर्स को हटा देते हैं। ऐसे कर्मचारी कहलाते हैं आकस्मिक कर्मचारी, कैजुअल वर्कर्स। एक होता है कृत्रिम अथवा भूताहा श्रमिक, जिसे कहते हैं घोस्ट वर्कर्स। घोस्ट वर्कर्स का मतलब होता है कि ऐसे कर्मचारी जो हमारे रिकॉर्ड में हैं। कई कंपनियां चोरी करने की दृष्टि से कर्मचारी मान लीजिए एक्चुअली तो है 80 और आपने दिखा दिए कितने नंबर, 10 कर्मचारी जिन्होंने काम ही नहीं किया लेकिन उनका खर्चा कंपनी ने दिखा दिया है, ऐसे कर्मचारी को हम कहते हैं भूताहा श्रमिक। बाहरी कर्मचारी इसे कहते हैं आउट वर्कर्स। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो हमारे फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वो कहलाते हैं अंदर के कर्मचारी, इन वर्कर्स। एक होता है आउट वर्कर्स, बाहरी कर्मचारी। बाहरी कर्मचारी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो बाहर का काम करते हैं, जैसे हमारी सेल्समैन हो सकते हैं या हमारी कंपनी का विज्ञापन करने वाले लोग हो सकते हैं, ये सभी बाहरी श्रमिक कहलाते हैं आउट कर्मचारी, आउट वर्कर्स या कर्मचारी कहलाते हैं। एक इसमें आता है मेरे पास में अगला पॉइंट नंबर 5, श्रम निकासी अथवा श्रम फेर। इसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने वर्कर्स हमने एक साल के दौरान हटा दिए हैं, बीमार हो गए इसलिए हमने हटा दिए हैं, या वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं थे उनकी हमने छटनी कर दी है, कुछ वर्कर्स हमारे मर जाते हैं या कुछ हमें छोड़ के चले जाते हैं, मतलब दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, हमारे यहां से रिजाइन देते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जो कर्मचारी हमें छोड़ के चले गए या रिटायर हो गए या बीमारी की वजह से अयोग्य घोषित हो गए या हमने उसको छटनी के कारण हटा दिया है, ऐसे सभी कर्मचारी को, ऐसे जितने कर्मचारी हमारी कंपनी छोड़ के जाते हैं उसे कहते हैं श्रम निकासी, लेबर टर्नओवर। अब मान लीजिए कि सारे मिला के, मतलब इन कारणों से सारे मिला के मान लीजिए कि 100 वर्कर्स एक साल में चले जाते हैं, तो फिर हम 100 वर्कर्स नए भर्ती करते हैं। तो ये जो लगभग 100 वर्कर्स का हर साल आप 80-90-100 वर्कर्स आप नए रखते हैं क्योंकि कुछ इतने चले जाते हैं, तो ये जो आपका 80 से 100 के बीच जो आंकड़ा चलता है इसे कहते हैं लेबर टर्नओवर, श्रम निकासी दर। तो श्रम निकासी की गणना करने के कुछ हमारे पास विधियां भी होती है, जिसमें पहला आता है पृथकीकरण विधि यानी कि सबट्रैक्शन मेथड, दूसरा आता है प्रतिस्थापन दर विधि रिप्लेसमेंट रेट मेथड, और तीसरा आता है प्रभाव दर विधि फ्लक्स रेट मेथड। तो इसके ये तीन टाइप के मेथड्स जिनके आधार पर श्रम निकासी दर की गणना की जाती है, कैलकुलेट लेबर टर्न आर ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेथड्स, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स रेट मेथड एंड एक तो मैंने बताया आपको सेपरेशन मेथड प्रत्यक्षीकरण विधि, दूसरी थी रिप्लेसमेंट मेथड प्रभा प्रतिस्थापन दर विधि, और तीसरी थी प्रभा दर विधि यानी कि फ्लक्स रेट मेथड। इन तीन मेथड से आप श्रम निकासी दर की गणना करते हैं।
आप इस पेज में पीडीएफ डालूंगा जिससे आप पढ़ें इसको। थैंक्स।